कुछ ऐसी रवानी चाहिए, सारी दुनिया अपनी हो जाती है, बस एक उसकी मेहरबानी चाहिए, एक उसकी मेहरबानी चाहिए। हर चेहरे पर नूर है, हर चेहरा है खिला खिला, यूं ही हंसता गाता बतियाता बढ़ता रहे, ये पर्व फाउंडेशन हमारा, ये पर्व फाउंडेशन हमारा। पर्व, पर्व यानी त्योहार, उत्साह, उमंग, आनंद, उल्लास, यानी हर दिन। हमारे भारत में तो ऐसे भी 365 दिन हम पर्व मना सकते हैं, तो इसमें एक नया पर्व और जुड़ गया है जो मानव सेवा का पर्व है। और नहीं, बहुत सुंदर ये काम है और आज इसकी बहुत जरूरत है समाज को, जहां पर जैसे कि मैं भी हमेशा वही कहती हूँ जैसे कि मधुर कहता है कि सही समय क्या होता है, सही समय यही है। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हमारे पास बहुत धन होगा, बहुत पैसा होगा या सही समय आएगा तब मैं किसी की मदद करूंगी, लेकिन कल क्या हो सकता है, आपका विचार बदल सकता है। सही समय अब है, जब आपका विचार आया मुझे किसी को कुछ देना है, उसी समय दे दीजिए। हम क्या करते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं या मिस्ट्री में जाते हैं, वर्तमान कहाँ है हमें पता ही नहीं है, और यही कल फिर से हिस्ट्री और मिस्ट्री बन जाएगा। इसलिए आज इसी पल को हमें जीना है, क्योंकि पल को गुजार देंगे ना, पल तो यूं ही गुजरते जाएंगे, ये काफिले जीवन के बनते बिगड़ते जाएंगे। जीना सीखे लम्हों से, मंजिल की तरफ बढ़ते जाएं, चलना ही तो जीवन है, रुके तो खत्म हो जाएंगे, रुके तो खत्म हो जाएंगे। एक साहस लेकर ये चला, ये काफिला एक साहस लेकर चला कि कोई कैसे छूता होगा आसमां को, हर किसी के पास तो विमान नहीं होता, लेकिन गट जज्बा हो दिल में कुछ भी कर गुजरने का ना, तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता है, नामुमकिन नहीं होता। देखिए, मेरे को भाषण देना नहीं आता है क्योंकि मैं नेता भी नहीं हूँ, अभिनेता भी नहीं हूँ, लेकिन मैं दिल से दिल की बात करती हूँ। मेरा यही है कि मैं दिल वो पहुँचती हूँ, और मन की जो आपके दिल की बात है वही मैं कहना चाहती हूँ। आप हमारी नेता है भाई, इस मंच पे तो आप हमारी नेता हैं, ये हमारे अभिनेता की मम्मी है और गायक की पत्नी है, तो यहाँ सारे गुण हैं यहाँ पर। और आज हमने जैसे कि 8 तारीख को हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया, वैसे तो 365 दिन ही विधि महिलाओं के ही होते हैं, लेकिन एक दिन हम अपने आप को प्रिविलेज दे दे तो कौन सी बड़ी बात है, और देना भी चाहिए अपने आप को। तो ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जैसे हम मनाते हैं कि वक्त बदला है और वक्त का मिजाज भी, जागी है हिम्मत और जागा है विश्वास भी, आज नहीं मैं अबला, आज नहीं मैं बेचारी, बदल चुकी हूँ खुद को, शक्ति है पहचान हमारी, शक्ति है पहचान हमारी। और सही मायनों में कहो तो वैदिक काल से ही नारी ने हर क्षेत्र में अपना परचम फहराया है। ये अलग बात है कि मध्यकालीन युग में आकर थोड़ा हाश्र हो गया था, द्रौपद काल में, त्रेता काल में, धीरे 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 नारी की स्थिति थोड़ी बदतर होती गई, लेकिन फिर भी नारी नर से हमेशा आगे है, क्योंकि उसके अंदर सृजन की शक्ति है। जो सृजन करता है वो सबसे बड़ा होता है। जब वुमन एम्पावरमेंट की हम बात करते हैं, तब मैं कहती हूँ नेगेटिव शब्द है, वुमन को क्या एम्पावरमेंट करना है, वो तो अपने आप में एम्पावर है, पावरफुल है उसके अंदर, क्योंकि भगवान को भी अगर धरती पर आना है तो इसी का सहारा लेना पड़ता है, तो ये अपने आप में है। हाँ, एक नारी, वुमन एम्पावरमेंट सही मायनों में क्या हो सकता है, जब एक नारी दूसरी नारी का हाथ पकड़कर उसे आगे ले जाए ना, वह सही मायनों में वुमन एम्पावरमेंट होता है। क्योंकि अगर हम महिलाओं को पीछे खींचेंगे तो कोई मायने नहीं है, लेकिन हमने एक दूसरे का हाथ पकड़कर हमने आगे बढ़ने की कोशिश कर ली ना, तो वो हमारा वुमन एम्पावरमेंट है। हम कितने कितने रोल निभाते हैं अपने जीवन में, कि देखिए मैंने एक एक हर एक को एक एक विशेषण दिया है। बेटियां धन की बेटियां, बहना परिवार का गहना, भाभियां घर की चाबियां, माता जिसके गीत हर कोई गाता, नानियां महारानियां बच्चों की कहानियां, दादियां नजारों की वादियां, बुआ जो हरदम देती दुआ, ताई जिसने घर भर में सुगंध फैलाई, चाची जिसकी हर बात साची, पत्नी हर कदम की संगीनी, सहेलियां दिल की पहेलियां, मामियां जादू की छप्पियां, और मासी माँ के जैसी, माँ के जैसी। कितने कितने रोल हम निभाते हैं।
आप देखिए कि वैदिक काल से, जैसे कि मैंने कहा, मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी, वो वैसे तो बहुत लंबी कविता है मेरी, कि नारी नहीं बोलूंगी, लेकिन इन्होंने मुझे कहा था 15 मिनट तक आपको बोलना है, और एज ए मतलब चीफ गेस्ट का 5 मिनट और बढ़ जाता है। और ये मेरी बहनें हैं ना, ये सब कह रही है कि हमारे सब 2-2 मिनट भी तुम ले लो, कह रहे हो ना, हाँ ये सब ये कह रही है कि हमारे 2-2 मिनट तुम ले लो।